Everyone hold the corner and do all your work on the side because game 8 is back. आज हम खेलेंगे इलेक्ट्रिशियन सिम्युलेटर। नाम से ही पता चल रहा होगा आज हम बनने वाले इलेक्ट्रिशियन। देखो रियल लाइफ में ना मुझे बिजली का बिल्कुल काम नहीं आता, क्या पता ये गेम खेलकर मैं बिजली का कुछ काम सीख जाऊं। और तुम भी ध्यान से देखना, क्या पता तुम्हारे भी काम आ जाए। तो करते स्टार्ट अपने इलेक्ट्रिशियन सिम्युलेटर का डे 1, लेट्स गो। ओके, तो हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पर सबसे पहले बताया कि हम अपने डैड का जो बिजनेस है उसे टेक ओवर करेंगे, मतलब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमारी क्या क्या जॉब है वो पता चलेगी, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 अनपैक जंक। ओके, तो अनपैक करने में 6 बॉक्सेस। ऊपर ये कंपास दिखा रहा है, उसमें हमें दिखाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे बॉक्सेस के दिखा रहा है, सब बॉक्सेस ही है ना। हाँ, बॉक्सेस के दिखा रहा है। तो इसे अनपैक करना है 6, तो 2, 3, 4, 6, ठीक है। और लिखा है फाइंड वीआर गॉगल्स, तो यही हमारे वीआर गॉगल्स भी यहीं पड़े। ओके, तो ये हो गया। गो टू योर लैपटॉप एंड एक्सेप्ट जॉब। ओके, पहली जॉब पर जाने वाले हम लोग, देखते हैं क्या जॉब मिलेगी। ओके, सेलेक्ट योर कंपनी लोगो डिज़ाइन। ओके, अगर जब डैड का है बिजनेस पहले से ही है तो लोगो वो सब वही होना चाहिए ना, अलग बदलना क्यों। ओके, तो यहाँ पर 3 लोगो है हमारे पास, फर्स्ट ये है, सेकेंड, थर्ड। तो हर लोगो का एक मतलब है। फर्स्ट लोगो, सो यू लाइक वायर्स, इफ यू ड्रीम अबाउट वायर्स एवरी डे, नहीं ये अच्छा नहीं है। और ये लो, यू आर फास्ट एज अ लाइटिंग, येलो इज़ योर फेवरेट कलर। ओके, ठीक है। और ये क्या है, हेल्पिंग पीपल इज़ योर थिंग, इज़ नॉट इट, दिस लोगो मीन्स दैट फिक्सिंग पीपल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ योर मिशन इन लाइफ। ओके, तो तीनों का ही मीनिंग ठीक है, पहले वाले का थोड़ा नहीं। वायर किसको पसंद होते भाई, वायर का कौन ड्रीम देखता है। तो बाकी के दो का मतलब अच्छा है, मीनिंग अच्छा है ना, कि ऐसे टू फास्ट टू लाइटनिंग की तरह, इसका ये मतलब है लोगों का। तो हम ये थर्ड वाला लोगो रखते हैं, ये ठीक लग रहा है ना, हेल्प वाला, ठीक है। मैं ये वाला लोगो चूज़ कर लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप, कंपनी नेम, कंपनी नेम अपना हम रखेंगे गेम ईट। तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, गेम ईट, ठीक है। कन्फर्म, वेलकम, क्या है इनबॉक्स, ठीक है। हमें कोई मेल आया है, ओके, तुरंत ही मेल आ गया जैसे हमने रजिस्टर वगैरह किया अपना कंपनी का नाम लोगों। तो अभी क्या जॉब है हमारी, टास्क टू डू, कलेक्ट द रिक्वायर आइटम, टर्न ऑफ द मेन फ्यूज, चेंज द बल्ब। ओके, अभी तो इस चलते हैं, सीधा आगे चलते हैं। अटैचमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, ओके, इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट के लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कोई हमारी जॉब नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इससे हमें पैसा मिलेगा, इससे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ अब तुम इलेक्ट्रिशियन हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए पहले सर्टिफिकेट चाहिए। चलते हैं बैक, पुट वी आर इसे, ओके, इसको पहनना है। ओके, ये क्या है, बिगिन वी आर ट्रेनिंग। ओके, चलते हैं, सर्टिफिकेट लेना हमें, तो ये काम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कलेक्ट द रिक्वायर आइटम, मतलब दो आइटम की ज़रूरत है यहाँ पे, एक तो है स्क्रू ड्राइवर और एक है ये बल्ब, ठीक है, दोनों हमने ले लिए। और अभी हमें एक बल्ब जो है वो चेंज करना है, तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं कि कौन सा बल्ब ख़राब है। ओके, हमारा जो दूसरा है क्या बोलते हैं इसे, टास्क, उसमें हमें टर्न ऑफ द मेन फ्यूज़, यही है ना मेन फ्यूज़। ओके, ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी चल रहा है, वो भी एज ए वीडियो, ये अच्छी बात है। इसमें वैसे बंद करने में क्या देखना, ठीक है, ये होगा हमारा मेन फ्यूज़, इसको बंद कर दो, मतलब सारी लाइट बंद। चेंज द बल्ब, बट बल्ब तो ठीक है, कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड कौन सा। ओके, इसको ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, समझ गया, दूसरा लगा नया। ओके, लगा दिया, ठीक है। अब अगला क्या है, रिपेयर द सिंगल स्विच। ओके, स्विच ही खराब था, तो स्विच जो है रिपेयर कर लेते हैं। ट्यूटोरियल क्या देखना है इसमें, वो तो करते करते समझ जाएंगे। सबसे पहले इसको निकालो, स्क्रू को, अच्छा ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए ना, मैं ऐसे ही स्क्रू के वाला निकाल रहा था,
ठीक है, हो गया, ये प्लेट भी निकल गई। ठीक है, दो वायर है इसको, इसमें जोड़ना है बस, बट मुझे नहीं पता कौन सी वायर कहाँ जुड़ेगी। तो एक बार पहले यहाँ से भी स्क्रू निकाल लेते हैं, एक ही निकालते हैं, एक ही लगेगा ना ऊपर, तो एक ही स्क्रू निकाल के यहाँ मैंने लगा दिया। अब स्क्रू को वापस कस देते हैं, अरे वो क्यों खोल दिया। ठीक है, यहाँ से भी एक स्क्रू निकाला नीचे वाले को लगा दिया। अब मैंने कहीं भी लगा दिया है, मुझे नहीं पता था किस में कौन सा फिट होगा, मैंने कर दिया और ये ठीक हो भी गया। वाह, ये बिना बात ऐसे काम होने चाहिए सारे। वापस कस देते स्क्रू, ये हमारा जो है तैयार, मतलब सही हो गया, एक स्विच हमने ठीक कर दिया। अब अगला क्या है, रिपेयर द डबल स्विच। ओके, इसको ठीक करना है, इजी था ये, ऐसे ही होता है क्या असली में, मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया तो नहीं। ठीक है, इसको भी स्क्रू करते एक बार। ऐसे रियल में तो देखना पड़ता है ना कि कहाँ पे कौन सा वायर लगाना है, अभी तो मैं कहीं भी लगा दे रहा हूँ कोई वायर। ठीक है, इसको निकालना है, ये रेड हो रखा है मतलब ये जगह खराब हो गई होगी या समथिंग कुछ हुआ होगा, तो इस वाले को तो निकालना है। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक, अब मैं कसू भी बाद में वापस, वो वाला खराब था, ये वाला खोलते हैं और ऊपर लगाना है तो एक ये खोलते हैं, एक नीचे वाला खोलते हैं, कोई सा भी ठीक है। एक वायर पकड़ते हैं, इसको इधर फिट, इसको पकड़ा, इसको इधर फिट, और नीचे वाले को पकड़ के मैं तो कहीं भी लगा दे रहा हूँ, पता है नहीं मुझे सही लगा रहा हूँ गलत लगा रहा हूँ, बस लगा दे रहा हूँ। ओके, हो गया रिपेयर, वाह ये तो हो भी गया। चलो वापस स्क्रू को सबको टाइट कर देते हैं। ये हो गया, नाइस। ओके, टर्न ऑन ऑल लैंप। ठीक है, सबसे पहले हम इन फ्यूज को ऑन करते हैं। अरे ऑन करना है, ठीक है, ओके, सारी लाइट जो है जल चुकी है, तो हमारा काम हो गया है। एग्जिट वी आर, बट हाउ एग्जिट कैसे करेंगे, यहाँ से इंटरेक्ट, गो बैक टू योर ऑफिस। ओके ठीक है, चलो तो अभी हमारा जो काम है वो हमने कर दिया है। अब हमें मिलेगा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन का, तो बिजली का काम हम सीख चुके हैं सिर्फ एक बल्ब चेंज करके और दो स्विच ठीक करके, कितना आसान है भाई साहब। ठीक है, हमें देखो 4 मिनट 39 सेकंड में मैंने ये कंप्लीट किया अपना, हो गया। अब जरा लैपटॉप पे देखते हैं और कौन कौन सी जॉब आई हुई है। तो यहाँ पर दो जॉब है हमारे पास, फर्स्ट है ये कौन है, डार्कनेस इन द बाथरूम, एलेक्जेंडर कास्टिलो, ठीक है, और दूसरी जॉब ये क्या है, जोए थॉमस की है। जोए थॉमस क्या कह रहा है, हेलो सर, फाउंड दिस ओल्ड कॉन्सोल इन माय ग्रैंडपा हाउस। ओके, बढ़िया है, उसकी ग्रैंडपा के पास कॉन्सोल था जो इसे मिला है उनके घर में। आई वॉन्टेड टू प्ले इट बट द कंट्रोलर डज नॉट वर्क, कैन यू हेल्प मी, माई डैड टोल्ड मी दैट द बैटरी इज द कंट्रोल इज रॉन्ग, बैटरी ठीक है, होगा कुछ, कैन यू फिक्स इट सर, आई डोंट हैव मनी सो आई कॉन्ट गिव यू एनी थिंग बट प्लीज हेल्प, आई वॉन्ट टू प्ले सम गेम्स। ओके, देखो बच्चे को कंट्रोलर ठीक करा के गेम खेलने हैं बट इसके पास पैसा नहीं है, तो क्या हमें ये जॉब लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए यार, भला करेंगे तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। पैसा जरूरी है मानता हूँ, लेकिन अच्छे काम करना भी जरूरी है। ये ओके, कंट्रोलर बाहर जाना पड़ेगा, हमें उसके घर जाना पड़ेगा। ये क्या है, ये तो हमारा घर है, बाहर कहाँ जा रहा हूँ, इधर क्या शो रहा है, ये हमारा वर्क बेंच है। ओके, अरे कंट्रोलर आ भी गया, वाह, मेरे को लगा वहीं जैसे अभी हम गए ना कहीं बाहर वैसे ही जाना पड़ेगा, बट कंट्रोलर यहाँ आ गया, ये तो सही है। चलो चेक करते हैं कंट्रोलर क्या सीन है इसका। अरे हमें नहीं चाहिए ट्यूटोरियल, बाद में देखेंगे ट्यूटोरियल।
ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको डिसेंबल करना है, पूरा डिसेंबल करना है। ठीक है, तो हम बैक जाते हैं एक बार और ये स्क्रू जो है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है। एक मिनट, मेरे पास था तो चाहिए यार स्क्रू ड्राइवर, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं पर इसके काम के, और मेरे को खर्चा करना पड़ेगा इसमें $30 का स्क्रू ड्राइवर खरीद लो क्या, क्या कर सकते हैं अब, काम तो ले लिया हाथ में तो खरीद लेते। ठीक है यार चलो, ये क्या बात हुई, रस्ट रिमूवर, ओरे ये भी खरीदना पड़ेगा $25 का ये भी, ये तो नुकसान हो गया यार भारी। फ्री के काम में बड़े नुकसान वाली बात हो गई। ठीक है सब अलग करना है, हमें सब डिसेंबल करना है, बैटरी को भी हटा देते हैं, ये रबड़ होती है इसे भी हटा देते हैं, और क्या रहेगा, अच्छा इसे भी हटा देते हैं। ठीक है अभी हमारे पास ये प्लेट है, अब अभी क्या रहेगा भाई, अभी भी कुछ रह गया, सब ठीक है इसके अंदर तो कोई चीज दिक्कत नहीं है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड स्टेटस गुड, ठीक है तो अभी हमें असेंबल करना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना सब, गुड गुड गुड। ओके कंट्रोलर बैटरी, बैटरी ख़राब है तो बैटरी हमें दूसरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है बैटरी जो हमने रिप्लेस कर दी सब गुड है अब, ठीक है आप सब कुछ वापस से असेंबल करते हैं। ठीक है बैटरी लगाई, जोड़ दिया, क्या रहेगा बटर और रहेगा क्या, हाँ अब बस फ्रंट रहेगा, स्क्रू कस दिए, ठीक है हो गया, अरे हो कैसे गया अभी, कोई मिनट स्क्रू तो कस दिए थे ना, नहीं कर सकते। ठीक है अब जरा टेस्ट करके देख दे डिवाइस, टेस्ट इन प्रोग्रेस, ओके ये ठीक है, सेंड आइटम, भेज देते हैं उस बच्चे को, हेलो सर फाउंड द ओल्ड कंसोल, भेज तो दिया आप, क्या चाहिए, आइटम रिपेयर कंट्रोल बैट बैटरी लिखा हुआ, बैटरी डेड, बैटरी है। ठीक है चलो, यहाँ पर हमें यार को पैसा तो बिल्कुल नहीं मिला बट हाँ रेप्यूटेशन बढ़ गई। ओके उसका हुआ है, मेल आया उसका, हेलो समथिंग समथिंग कुछ मेल आया, कहाँ पढ़ने को मिलेगा, लैपटॉप पर ही, उसका नहीं है। ओके हमारे पास तीन काम आ गए, बैक टू बैक काम आ जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है सबसे पहले इसका आया था एलेक्जेंड्रा का काम, इसका करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, और सजेस्टेड आइटम में क्या क्या ज़रूरत है हमें वहाँ ले जाने की, स्क्रू ड्राइवर चाहिए हर बार काम करने के लिए, नया स्क्रू ड्राइवर, ये क्या बात हुई, $50 का, और एक बल्ब चाहिए। ठीक है ऐड टू कार्ट और बाय, टोटल $56, यस ठीक है हो गया। तो हमने दो चीज़ जो है बाय कर ली है, अब हम जा सकते हैं वहाँ पर, जाएंगे कैसे, गो टू द जॉब, ओके कार से जाएंगे, ठीक है यस स्टार्ट द जॉब। ओके तो हम आ चुके हैं उसके घर पर, और यहाँ पर हमें चेक द बल्ब, बल्ब चेक करना है, और चेक द लाइट स्विच, चेक वायर इन द बॉक्स, ठीक है ये दो तीन चीज़ें चेक करनी है, करते हैं। और नहीं जब तक चेक करो PS5 Pro जो है वो भी क्या बोलते हो उसे रिवील कर दिया है, और कितना महंगा $700 का है भाई, वो भी स्लिम विदाउट वो भी डिस्क वाला, वो $700 का है, मैंने अभी ख़रीदा है, कितने मेरे को 2-4 महीने हुए मेरे को इसे खरीदते हैं। यहाँ यही गेट खुल रहा है, और कोई गेट भी है क्या, मैं बाहर देखूँ कौन सा बल्ब कौन सा चेक करना, ये तो बल्ब नहीं है ना, स्विच एक बार चालू करके देख लेते हैं ना, ओके जल रहा है ये ठीक है, यहाँ से चालू करके देखते हैं दोनों,
ये भी दोनों चालू है तो ठीक है ये दो दो। मैं सोच तो रहा था, इतना तो था उड़ती उड़ती खबर थी कि PS5 प्रो जो है वो रिवील होने वाला है और रिलीज भी होने वाला, नवंबर में उसकी डेट है, कि मैं अपना ये PS5 दे के स्लिम वाला और प्रो ले लूँगा कुछ पैसे दे के। बट बहुत महंगा भाई, मेरे को लग रहा हूँ डबल पैसे आधे पैसे देने पड़ेंगे वहाँ जितने का है ये। एक मिनट चेक करना ना, यही बल्ब है क्या? पहले तो चेक ऑफ इफ ऑल द वायर कनेक्टेड करेक्टली। ओके, यही वाला स्विच है जो ख़राब है तो इसको ठीक करते हैं पहले। तो स्विच ठीक करेंगे तो पता चल जाएगा बल्ब यही वाला ख़राब है कि दूसरा। ठीक है, हम स्क्रू करते हैं इसे। ओके, यही वाला है, इसमें वायर ही नहीं लगेगी तो कहाँ से चलेगा। अरे अभी छोड़ दें इसको, अभी थोड़ी पकड़ना। लग गया ना, निकाला तो है कहां से, दिख कहां रहा है इसमें उधर आ रहा है। ये क्या हुआ? शिट, टर्न ऑफ द फ्यूज। और ए शिट, मैं मेन फ्यूज क्या बोलते ऑफ करना ही भूल गया था, झटका लगा। देखा, इसीलिए मैं काम नहीं करता ये सब। ये तो गेम था, यहाँ पे सेकंड लाइफ है बट हकीकत में नहीं है। अभी मैं निकल चुका होता, अभी मैं ऊपर पहुंच गया होता। तो सबसे पहले कोई बिजली का काम करो, मेन फ्यूज जो है वो बंद करो, उसके बाद ही काम करो, वरना ऐसा झटका लग सकता है जहाँ कोई सेकंड। तो वो वाला वायर कैसे लगा फिर? ये लगा कि नहीं लगा? ओके, लग गया हो। इसको अनस्क्रू करते एक बार। ठीक है, हो गया ठीक। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। तो यही वाला खराब है बल, इसी चेंज करना है। हाँ, चेक में भी वो भी आ गया ना। चलो ये भी हो गया ठीक। टर्न ऑन द लैम्प। भाई कौन सा लैम्प? लैम्प कहाँ है? कैसा लैम्प ये? अरे हाँ, क्या बोलते हैं, फ्यूज़ तो वापस ऑन करना पड़ेगा ना। मैं अभी ऐसे चेक करे जा रहा हूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया, ये चालू हो गया। देखो सब चालू हो गया, चलते हैं। काम हमारा हो गया, जल्दी ख़त्म कर दिया है तो हमने, उतना टाइम लगा नहीं इस काम को कंप्लीट करने में। चेक द बल्ब, चेक द लैम्प, चेंज द बल्ब, टर्न ऑन द लैम्प, चेक द लाइट स्विच, सब कंप्लीट कर दिया हमने। और ये काम भी हमने 4 मिनट 27 सेकेंड। ओए जल्दी जल्दी, 4-4 मिनट में एक एक काम खत्म कर रहे हैं। वापस आ गए और काम देखते हैं। अ सॉकर प्रॉब्लम, हाय देयर लिसन, द वर्ल्ड कप हैज जस्ट स्टार्टेड, द रिमाइंड मी। ओके, सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं। स्विच जैम और द कॉन्सोल सिग्नल इज आउट। ओके, कॉन्सोल है कोई, वो रिपेयर करना है। इसमें $60 और रिक्वायर आइटम कुछ भी नहीं है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी से काम हो जाएगा। ठीक है चलो, तो इसका एक ये ज़्यादा मज़ेदार है, सच बताओ तो। मैं घर गया वहाँ, स्विच बल्ब कॉन्सोल और वो कंट्रोलर रिपेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कंट्रोल रिपेयर किया था ना, मज़ा आया। इसको भी रिपेयर करते हैं, इसको पहले हटाते हैं कैसेट को, सीधा सॉकर की लगा रखी है, और बैक करते हैं एक बार।
हम स्क्रू करते हैं ना, देखते हैं स्क्रू बाहर निकालते हैं, खोलते हैं। ओके इसको भूल जाता हूँ बार बार, बटन गलत दबा दे रहा हूँ। ओके ये भी जाम पड़ा है, चलो केस बाहर इसे भी हटाओ। ठीक है अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने निकाली सब गुड है, मतलब अच्छी कंडीशन में, ख़राब नहीं है। तो ख़राब क्या है वो देख रहा है। ओके मिडिल फ्रेम में दिक्कत है, इसके मिडिल फ्रेम ख़राब है और सॉकेट ये भी ठीक है। और मैं चीज़ें बस चेक करे जा रहा हूँ कि सिग्नल प्लग भी ठीक ही है और कुछ है इसके अंदर चेक करने का। आईसी वाईसी चेक कर रहा हूँ मैं, आईसी वाईसी ने फूक दी उसने, क्योंकि मैंने अपने पहले PS4 की आईसी फूकी थी मुझे याद है, और मेरा आपको बहुत काटा था दुकान वाले ने तब मैंने गेम खेल लिया होता तो मैं खुद अपनी आईसी ठीक करता। ठीक है तो ख़राब हमारे पास ये मिडल फ्रेम और कार्टिज सॉकेट, क्योंकि ये दो चीज़ें ख़राब है अननोन, मतलब कंडीशन का पता ही नहीं है इसका। ठीक है तो रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं। $3 ठीक है, $3 में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और $3 में ये तो दोनों मैंने $3 में कर दिया। असेंबल करते हैं फटाफट फटाफट, ये कार्टेज लगाया, फ्रेम भी लग गया। अरे रुक जाओ भाई, यही सब था ना बस। ठीक है ठीक है, कार्टेज तो ऊपर से बाद में लगेगी, अब वापस स्क्रू को कस देते हैं। ये ज़्यादा मज़ेदार है, अपना टेबल पर आराम से काम करने वाला। ठीक है अब टेस्ट करते हैं एक बार, प्ले बॉक्स फुटबॉल गेम है, ऐसे गेम भी मैंने खेला हुआ है, ऐसे मैंने मारियो कॉन्ट्रा चिप एंड डेल मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था उस समय, ये सब बहुत खेला है। प्लीज़ गुड आजियो, मैंने मेहनत तो कर दी है। ब्रोकन वॉट, क्या ब्रोकन क्या है बट, ओके अभी हमारा काम हुआ ही नहीं भाई, नहीं हुआ काम। असेंबल तो कर दिया ना बट कुछ ना कुछ गड़बड़ है अभी भी, वापस से हमें इसे खोलना पड़ेगा। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ तो रह गया। इस तरह की प्रॉब्लम भी आएगी, ये अच्छा है, अगर अभी एक बार पर ठीक भी हो जाता तो भी अच्छी बात नहीं थी, कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए ना। बस भाई अब निकल। ओके इसे तो बाहर निकालो पहले, तभी तो ये बाहर आएगा। मैं देख रहा हूँ सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे, ख़राब क्या है फिर, इसको भी हटा ही देता हूँ। कुछ भी तो दिक्कत है नहीं, देखना सब कुछ तो ठीक है। अरे ये ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यही ख़राब है क्या, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं असेंबल करते हैं। अब वेट बॉटम केस, वापस डिस्क, इस बार चल जाना चाहिए, आप तो चल जाएगा। तो हर बार अब जितनी बार मेरे पास डेस्क पे कोई काम आएगा ना उसे पूरा का पूरा मैं क्या बोलते हैं डिसेंबल करूँगा सब चीज़ें, सारे पार्ट निकाल के उसके बाद टेस्ट करूँगा। जैसे अभी मैंने गलती कर दी थी ना, सब कुछ नहीं निकाला था। ठीक है आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट इन प्रोग्रेस। ओके गुड चल गया, तो सेंड कर देते हैं आइटम। ठीक है सेंड कर दिया, $60 मिले तब, बहुत पैसा कहाँ था इलेक्ट्रिशियन, रेपुटेशन भी बढ़ेगी हमारी। यू हैव लेवल अप, इस लेवल कोई फ़ायदा है पता नहीं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट जॉब पर चलते हैं। ओके नेक्स्ट जॉब है सेंसर इन माय बाथरूम, हेलो देयर आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड दैट यू आर बिगिनिंग इलेक्ट्रिशियन। हाँ बिगिनर तो हूँ बट अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूँ। इट सो हैपन दैट आई हैव गॉट दिस कार्बन मोनोक्सी मोक्सोनो कार्बन मोनोक्साइड सेंसर, व्हाट द फक क्या है ये, एंड इट स्टॉप वर्किंग, आई एम वरीड बिकॉज आई डोंट फील सेफ एनीमोर व्हेन आई टेक बाथ, Could you please fix it for me? Black screen sensor does not detect CO2.
गुड बैटरी आर नॉट वर्किंग। ओके देखते हैं क्या चीजें हैं। पहले तो समझ में नहीं आया है क्या चीज। आई गॉट दिस कार्बन मोनोक्सी मोक्सोनो कार्बन मोनोक्साइड सेंसर। आगे कार्बन मोनोक्साइड सेंसर ये क्या होता है? अभी अमीर लोग की चोच लिया भाई, हमें नहीं पता। हम तो मग्गा और बाल्टी मिलता है नहाने के लिए, उसी से नहा लेते हैं। ये रहा यही है ना, है क्या चीज़ पहले तो चलो इसी बहाने को नई नई चीज़ें तो देखने को मिलेगी। ये किस काम आती है? बट भाई कॉमेंट करके बताना मुझे, आती किस काम है। चलो पहले तो इसको हटाते हैं यहाँ से स्क्रू उसके, ठीक है जाम पड़ा हुआ है। बैटरी बाहर निकालते हैं, मैं हर एक चीज़ बाहर करने वाला हूँ। ये भी जाम पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा स्क्रू तो जाम ही पड़े रहते हैं इनके। अब क्या दिक्कत है, निकलना चाहिए बाहर से। अरे ये भी, अरे और भी स्क्रू है, ये ना अब तो निकल। ये भी है, दिख ही नहीं रहा छोटा सा। ओके तो बैटरी जो है वो ख़राब है ही। मैं और भी बाकी सारी चीज़ें भी निकाल के चेक कर ही रहा हूँ। इसको भी ज़रा तेल लगा के निकालते हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसमें, सब निकाल दूँगा। और कोई थोड़ा जूम करके पता चल जाएगा, ये रहा। ठीक है इसको भी, ये भी जंग लगे हुए ना ये सारे नट, तो इन पे पहले ही डालना पड़ता और मेरे ख़त्म हो रहे हैं हर बार। 90% बचा हुआ इसके अंदर, उसके बाद मुझे दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। सही बात है, ऐसे लाइफ टाइम तो नहीं चले गए। ओके सब कुछ मैंने जो है वो हटा दिया है। सब मेरी गलती है कि मैं देखता नहीं मुझे कितने पैसे मिलेंगे इस जॉब के। मैंने पैसे देखे नहीं और मैं यहाँ पे अब मैं सब कुछ ही रिप्लेस करूँगा। वैसे तो महंगा तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा ना, सीधा खरीद दे रहा है $45। अब मैं ध्यान रखूँगा कितने डॉलर मैं खर्च कर रहा हूँ। मुझे हिसाब से पैसे नहीं मिले ना तो फिर मैं अगली बार चेक करके उसके बाद ही ठीक करूँगा, वरना ऐसे ही भेज दूँगा बिना ठीक करे। $45 और $27, ठीक है $40 मतलब 90 और 20 कितना, 117 डॉलर लग चुके हैं हमारे टोटल इसको अभी, और बैटरी भी अभी रिप्लेस करने $117 और ये $119। ये क्या करता है, ऐसे हम ठीक कर सकते हैं इसको? कुछ है इसमें कहीं हम ठीक कर सकते हो? फिर भी रिप्लेस ही करे यार, नहीं कर सकते। $119 ब्रोक के नहीं है, ठीक है। ओ पहले मुझे चेक करना चाहिए उसके बाद मुझे रिप्लेस करना चाहिए, मैं बिना देखे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने चेक किया फिर मुझे पता चला ये ब्रोकन है। शेट मैंने कितनी सारी चीज़ें चेंज कर दी, $119 और ये $121 मैं खर्च कर चुका हूँ। मैं पहला ऐसा इलेक्ट्रिशियन हूँ अगर मुझे $121 से मतलब $150-$200 के आसपास नहीं मिले तो मैं घाटे में काम कर रहा हूँ। सच में बिगनर ही हूँ उस हिसाब से। तो असेंबल करते हैं सब चीज़ें, तो मुझे ध्यान भी देना चाहिए था इसमें क्या क्या था लगा हुआ। पैसे तो खैर कुछ रह नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को क्या क्या चीज़ें थी लगी हुई, ठीक है। और बैटरीज लगा देते हैं, ओके कवर रह गया ना बस। ठीक है अब तो चल ही जाएगा सब कुछ, तो मैंने नया ही लगा दिया। $121 मैंने लगाया है, अब जरा टेस्ट कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ओके चल गया। पैसा कितना मिलेगा वो? आइटम रिपेयर हेलो $50 मिले मेरे को। सीरियसली मैंने नुकसान में काम किया? $50 $121 लगा मैंने उसे ठीक करने में। योर नेक्स्ट टास्क इज
इंटरेक्शन विद द सॉकेट इन द रिपेयर। ओके, अगला सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास आया है, रिपेयर द सिंगल सॉकेट, रिपेयर द डबल सॉकेट, टेस्ट द सिंगल सॉकेट, टेस्ट द सॉकेट, टर्न ऑन द फैन। ओके, ये सर्टिफिकेट भी जरूरी है, बट सर्टिफिकेट का काम अभी नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट हर वीडियो में एक सर्टिफिकेट का काम करेंगे। यहाँ क्या है, हे देयर इट्स एलेक्सा, आई एम ह्यूज फैन ऑफ डिवाइस फ्रॉम द 90s एंड आई रिसेंटली गॉट माय हैंड ऑन दिस ग्रेट कैसेट प्लेयर। ओके, कैसेट प्लेयर मेरे को मजा आ रहा है, डेस्क जितना भी टेबल पे काम आ रहा है ना वो करने में मुझे मजा आ रहा है, इधर उधर घूमना नहीं पड़ रहा मेरे को। और ये क्या काम है, डिटेक्टर वॉन्ट टर्न ऑन इट, डज नॉट डिटेक्ट घोस्ट एट ऑल। व्हाट द फक, घोस्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए आ गया क्या वहाँ पे, यहीं पे आ गया, कुछ घोस्ट वाला है ये, डिटेक्ट करने वाला, इसको देखूंगा। ये कुछ चीज़ लग रही है ऐसी यूनिक, बैटरी बाहर, तो ये इससे ये घोस्ट डिटेक्ट करता है। ठीक है ठीक है, निकला नहीं बाहर है ना, बाहर करो भाई। हाँ जी, बाहर, अननोन अननोन अननोन, सब चीज़ अननोन आ रही है, ऐसे तो मैं सब कुछ रिप्लेस करता जाऊँगा, है ना, मुझे हर एक चीज़ चेक करनी है। ओके, स्टेटस इज गुड, इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, यू नीड टू सोल्डरिंग आयरन, आयरन भी खरीदू मैं भाई, पक्का नुकसान करके मानूंगा अपना। ठीक है, और कुछ चेक कर लेते, एक मिनट, स्टेटस गुड, ठीक है। अब जरा मैं एक एक चीज चेक कर लेता हूँ, पहले बैटरी कवर, गुड है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसको ऐसे ही क्या दिक्कत होगी, बैटरी, बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी भी ठीक है, अपर केस, इसको भी क्या दिक्कत होगी, ये भी ठीक है, बॉटम केस, ये भी ठीक है। हाँ, ये चेक करने वाली चीज़ है ना, अरे इसके लिए भी ये चाहिए भाई, मैं नुकसान पर नुकसान कर नहीं कर रहा हूँ ना, कहीं मैं खाली हो जाऊँ, मैं बैंक करप्ट हो जाऊँ, मैं पहला एक ऐसे गेम हो जिसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं होगा, पैसे मैं उसमें बैंक करप्ट हो जाऊँगा। गुड ठीक है, गुड ठीक है, एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ओके, ये ब्रोकन है, तो मैं इस खाली इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो ये खाली यही खराब है ये। ओके, मैं इस खाली एक पार्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो भी मैं इसको जो है पहले इसमें थोड़ा सा ये डालते हैं, कहाँ से ऐसा पीछे से काम होगा, कौन सा लास्ट वाला था ना सबसे, ओके ठीक है, पहले इसको मेरे को हटाना पड़ेगा ना साइरन से। हाँ, तो मैं सीधा रिप्लेस कर दे रहा था, मैं ठीक ही नहीं कर रहा था चीज़ें, अब ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, अब इसे नया लगा देते हैं, नया कितने का, $4 का, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है, अब वापस से शोल्डरिंग कर देते हैं, और कुछ चेक कर लेते हैं, अभी और भी चीज़ें चेक करनी है इसमें, इसे मल्टीप्लेयर किया था, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिशियन नहीं है, जीरो नॉलेज है, तुम गेम प्ले मेरा देख के समझ में आ रहा होगा तुम्हें। गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, अभी तक मेरा खर्चा हुआ है अच्छा खासा, क्योंकि मैंने मेरी सामान भी खरीदा ना। ओके, ये भी ख़राब है, ठीक है, तो इसको भी शोल्डर करके बाहर निकालते हैं, किसको मैंने वो कर दिया, अरे ये क्या किया मैंने, अबे ये
यू नीड ट्विंजर, वो क्या होता है? मैं $3 का लगाया है। ये तो सीधा हो गया। हाँ बहुत खर्चा करवा दिया इसने तो। चेक करो, ठीक है। ओ भाई कितनी थी एक बार चेक कर लेता हूँ ब्रोकन क्या क्या है। ये भी ब्रोकन है, यहाँ पे तो मैंने टेस्ट कर लिया। ये ठीक है। ये वाला ब्रोकन है नहीं, ये वाला ब्रोकन है, ठीक है। मैं एक बार ना सब चेक कर लेता हूँ गड़बड़ किस किस में। ओके दो दो हो गए, ठीक है। अब मैं इसलिए मैं पहले पूरा चेक ही कर लेता हूँ गड़बड़ किस किस में। ठीक है हमें मिल गए दो। एक तो यहाँ कहीं गड़बड़ थी ना, किसमें था, इसमें और एक इसमें। ठीक है इसको पकड़ते हैं। बाहर निकाला, दूसरा लगा दिया। अब चेक कर ले, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा गड़बड़ था ये? भाई पूरा इलेक्ट्रिशियन बनी आप तो। मैं शोल्डर कर देते वापस। अब आई थिंक ठीक हो गया है, अब तो ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है, अब तो सब चेक कर लिया हम। ओ ये ब्रोकन है। अच्छा ये मैं चेक नहीं कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। इसको क्या करें फिर, ठीक है पीछे से पहले से निकाल लेते हैं। नया लगाओ क्या, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता $7 का। हो गया यार, अभी भी अननोन। अब कितनी चीजें है इसके अंदर खराब। ओ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये दोनों तो मैंने टेस्ट ही नहीं किए। ठीक है चेक कर लेते पहले, ठीक है ठीक है। चलो फाइनली ठीक हो गया हमारा ये बोर्ड। अब असेंबल करते हैं वापस से पूरा, भी जब ने निकाला था इसको मुझे याद नहीं बट मैंने कहाँ पे क्या लगाया था। देख लेते हैं कहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है ये बोर्ड लग गया, बैटरी तो नहीं लगेगी इधर। अपर केस ये कहाँ लगेगा, ये बैटरी कवर। अच्छा ठीक है हो गया, फिर तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ओके, इसको करना है मेरे को शोल्डर। अरे यार इतनी देर से है ना, क्या मैं ढूंढे जा रहा हूँ कि कवर लग क्यों नहीं रहा, कवर लग क्यों नहीं रहा। बोलो ऐसा तो मेरे साथ रियल लाइफ में होता है, गेम में भी ऐसा होगा क्या? चलो टेस्ट करते हैं इसको, भूत पकड़ते हैं। पकड़े जा रहे हैं भूत, ठीक है चलो काम कर गया, भूत पकड़े गए नहीं है। लेकिन हमने फाइनली एक जो डिवाइस है ठीक कर दिया है, बहुत मेहनत लगी इसे ठीक करने में। सेंड कर देते हैं, चलो ओके। डे वन के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं, आगे का गेम प्ले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक करेंगे।
अभी तक हमने डेस्क वाला काम ज़्यादा किया क्योंकि उसमें मुझे मज़ा आ रहा था, बट बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मुझे वहाँ जाकर ही किसी और के घर पर जाके करने होंगे, उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा ना अभी हम करके आए, स्विच ख़राब हो गया, बल्ब ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, यही सब काम होंगे। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में ना वही काम करने चलेंगे। बाकी डेस्क वाले काम बहुत अच्छे थे, मज़ेदार थे, अलग अलग डिवाइस आ रहे थे, उन्हें ठीक करने में मज़ा आ रहा था। क्या पता ये गेम ख़त्म करते करते मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊँ। ओके ठीक है, आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो मुझे आया कि नहीं आया, तो भी कमेंट करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।